Very good morning all of you and a very welcome to my channel Trusty PCS. UPPCS, UPPCS 2017 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट परिणाम और RO/RO का परिणाम बहुत ही जल्द आने वाला है. बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में काफ़ी टाइम से पूछ रहे थे कि मेंस का रिजल्ट कब आ रहा है तो और RO और ARO का रिजल्ट कब आ रहा है. तो देखिए 2018 का जो मेंस होने वाला है उसके पहले 2017 का मेंस का रिजल्ट आ जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 2017 में ही सिलेक्ट हो जाएंगे तो वो क्यों 2018 का एग्जाम दे. इस पर धरना प्रदर्शन भी हो चुका है सिर्फ इसी बात को लेकर. तो अब ये मान के चलिए इस महीने के लास्ट मंथ तक आप लोगों का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा. और दूसरी बात करते हैं RO/RO की. देखिए RO/RO का रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि RO/RO के लगभग आप ये मान के चलिए 3 से 4 साल तक से अभी तक कोई भी वैकेंसीज नहीं आई हैं और भारी संख्या में RO/RO की कमी भी हो रही है. तो इसकी अगली जो वैकेंसी आएगी तो आप ये मान के चलिए काफ़ी मात्रा में आप लोगों को काफ़ी मात्रा में इसकी पोस्ट आएंगी. तो पहले तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ इसका रिजल्ट कब तक आएगा. तो इसके बाद जो दूसरा महीना है, मतलब इन दो महीनों में सितंबर अक्टूबर में आप लोगों के दो रिजल्ट आ जाएंगे. मतलब इस बार की दिवाली आप लोगों की बहुत अच्छी मनने वाली है. तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल ऑथेंटिक है ये. देखिए PCS मेंस के बाद आएगा RO/RO का रिजल्ट. इसमें लिखा हुआ है कि देखिए ये है आयोग पहले PCS 2017 की मुख्य परीक्षा और इसके बाद समीक्षा अधिकारी और 2017 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करेगा. इसमें ये भी लिखा हुआ है कि देखिए यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसको कि 2017 की मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में अक्टूबर में PCS 2018 की मुख्य परीक्षा प्रस्तावित है. सो आयोग इस परीक्षा से पहले 2017 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर देना चाहता है. दूसरे नंबर पर RO/RO की मुख्य परीक्षा है, तो पिछले साल ये 8 अप्रैल को हुई थी. तो इसमें ये सफल घोषित अभ्यर्थियों को RO/RO के पदों पर 4 साल से भर्ती नहीं हुई है. ऐसे में आयोग एवं सचिवालय में दोनों में भारी संख्या में आपको बता दूं कि वैकेंसीज पड़ी हुई हैं. तो वैसे तो मैंने आपको पहले भी बताया कि RO/RO काफ़ी अच्छी पोस्ट है और इसके लिए आपको ज़रूर से अप्लाई करना चाहिए. अगर अभी नेक्स्ट आती है तो PCS भी आपको देना चाहिए. अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल दिसंबर में आप लोगों का नेक्स्ट एग्ज़ाम भी है. तो आप लोग धैर्य मत खोइए और अच्छे से एग्ज़ाम देते रहिए. टिल देन थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड. थैंक यू.